हेलो गाइस, सो टुडे हम बात करने वाले हैं AWSCD की। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज ओमकार एंड हियर वी आर ट्रेन विद ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब आज हम बात करने वाले AWSCD की एंड टाइपस्क्रिप्ट। सीडी की मतलब क्या होता है, क्लाउड डेवलपमेंट किट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन करते हैं उसके लिए हम ये कोड यूजिंग कोड हम ये ऑटोमेशन करेंगे, और उसके लिए AWSCD के, और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे .NET, C#, जो .NET लैंग्वेज होती है उसके साथ जावा, पाइथन, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। सो ये सारी लैंग्वेज मिला के हम AWSCD के थ्रू एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इन AWS। ओके, तो AWS का एक बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एक ऐप होता है, स्टैक होता है, कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जनरेट करता है, रिसोर्स जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें आप कोड लिखो, और सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है, और उसमें आप ऐप क्रिएट करो। ऐप मतलब क्या है होता है, ये पूरा एक मतलब पूरा एप्लीकेशन है जो हम डिप्लॉय करेंगे या फिर डेवलप करेंगे यूजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैक, और वी कैन से स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है, ये सिंगल रिसोर्स और मल्टीपल रिसोर्स इनका कॉम्बिनेशन बन के एक माइक्रो सर्विस होगी, या फिर मल्टीपल माइक्रो सर्विस का कॉम्बिनेशन होकर ये स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है। और इस स्टैक का एक कोड आता है डिफॉल्ट, और उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं जो कुछ करना है, ठीक है। लाइब्रेरीज ये सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। उसके अंदर आता है हमारा ये स्टैक। स्टैक का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि डिफॉल्ट और रीयूजेबल रिसोर्स होते हैं जो हम एज अ कंस्ट्रक्ट करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो रिसोर्स मतलब AWS के जो जो रिसोर्स है, जो जो AWS के सर्विसेज है, वो सब हम यहाँ पे कोड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाए AWS Amazon SQS Queue और AWS Lambda फंक्शन। तो हम एज ए कंस्ट्रक्ट करके एक माइक्रो सर्विस वो एज ए कंस्ट्रक्ट डिफाइन की, दूसरा कंस्ट्रक्ट में AWS S3 बकेट क्रिएट किया और DynamoDB क्रिएट किया, तो दूसरा कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये दोनों का मिला के एक स्टैक जनरेट हो गया, ठीक है। और ये स्टैक जनरेट करने के बाद ये CDK के डिफॉल्ट जो कमांड्स होते हैं उसके थ्रू हम ये पूरा प्रोसेस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हम सेटअप करेंगे उसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्टिक भी रहेंगे, जैसे NPM टाइप स्क्रिप्ट लगता है, और ये इनिशलाइज हम जब करते हैं तो वो कमांड लगती है, और ये AWSCD का भी कॉन्फ़िगरेशन लगता है, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बाद हम ये ऐप डेवलप करने के बाद वो ऐप जैसे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये जैसे प्रोसेस करेंगे तो हम उसके साथ क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जनरेट करेंगे। और जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C#, .NET, ये सब कुछ लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में एक स्टैक होते हैं, ये स्टैक और क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक सेम ही होता है, ठीक है। जैसे स्टैक जनरेट होता है और स्टैक के हिसाब से हम वो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जनरेट होकर वो रिसोर्स ट्रिगर होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा कंस्ट्रक्ट दिखाई, कंस्ट्रक्ट मतलब ये ऐप आगे इसका प्रैक्टिकल डेमो भी देखे आएंगे कि यहाँ पे वो कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप इन। यहाँ पे देखो ये है AWSCD के मतलब डॉक्यूमेंटेशन दिया है, उसमें डेवलपर का गाइड दिया है कि यहाँ पे हम क्या क्या होता है उसमें, और ये पूरा PDF डॉक्यूमेंट में आ जाता है, अगर डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है। यहाँ पे हम पूरा ये डायग्राम देख सकते हैं, यही से मैंने उठाई है, और यहाँ से डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसके प्री रिक्वेस्ट क्या लगते हैं, हम यहाँ पे सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है। इसका URL ये एक docs.aws.amazon.com/cdk/v2 वर्जन है, v1 v2 ऐसे करके वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ टू और API रेफरेंस ये पूरा दिया होता है, इसके थ्रू हम ये पूरा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने वही बताया कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें ये सपोर्टेड होता है। उसके साथ ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी इंफॉर्मेशन दी है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, एग्जाम्पल्स कहते हैं, हाउ टू वी कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके बाद ये हम मेरा AWS कंसोल है, डिफॉल्ट है, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ एग्जिस्टिंग बकेट या फिर कुछ है S3 बकेट्स में, अगर कुछ होगा तो हम डिलीट करेंगे।
और वहाँ पे रीजन भी हम स्पेसिफाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये ऑलरेडी ट्राई आउट कर रहा था, ये CDK के थ्रू ये जनरेट हुआ है, तो अभी हम ये डिलीट करेंगे। मेक श्योर आप डिलीट करेंगे जो जो रिसोर्स आप क्रिएट कर, नहीं तो बिलिंग का बहुत इश्यू आता है। ये इशू रिजॉल्व करने के लिए हम चेक करना कि जो जो हम ऐड करते हैं वो रिजॉल्व कर दो, और रिजन चेक करना। अभी मैंने मेरे मशीन पे ऑलरेडी AWS कन्फिगर करके CLI के थ्रू कन्फिगर कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने में क्या करते हैं, डिफॉल्ट एक एम्प्टी फोल्डर ले लो, और विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम यहाँ से कमांड लाइन से कर सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर Node.js का कमांड विंडो होता है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट जो है, ये हाउ टू इंस्टॉल npm, हमारे इसमें npm इंस्टॉल होना चाहिए, तो इसके लिए Node.js की वेबसाइट है, यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है कि Node.js क्या होता है, npm क्या होता है। हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ उसका npm चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू हमें पैकेज इंस्टॉलेशन ये सब कुछ ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि CDK के रिलेटेड पैकेजेस हो गए, बाकी कुछ पैकेज एक्स्ट्रा हो गए वो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम दिए स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हम Node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर कभी इंस्टॉलेशन बाद बीच आते तो एनवायरनमेंट वेरिएबल चेक करना सेट हुआ है कि नहीं, और कमांड से हम चेक कर सकते हैं नोड का वर्जन। उसके साथ ही दूसरा आता है ये टाइप स्क्रिप्ट का भी, टाइप स्क्रिप्ट भी हमें इंस्टॉल करना है। जैसे npm इंस्टॉल होता है तो ये कमांड है npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, -g का मतलब ग्लोबल, सो ये एज अ ग्लोबल लेवल हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्री रिक्वेस्टिक है, और बाय डिफॉल्ट इसके साथ AWS कन्फिगरेशन करके रख देना अपने सिस्टम पे, वो डिफॉल्ट प्रोफाइल जो होगी AWS का अकाउंट वो वहाँ पे लेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक बार कुछ बकेट क्रिएट हुआ है या नहीं, और यहाँ से हम ये AWS स्टैक हम अभी CDK के थ्रू क्रिएट करेंगे, ओके ठीक है। हम वो कमांड के थ्रू वहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे मैंने ट्राई किया नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कमांड विंडो जो Node.js कमांड विंडो, वहाँ से हम करेंगे CDK init app language TypeScript, लैंग्वेज के आगे जो आपकी लैंग्वेज करने वाले हो JavaScript वो सबको दे दो, जैसे ही देते हैं यहाँ पे ये कंसोल में आप चेक कर सकते हैं पूरा लॉग्स, ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जनरेट कर रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट जनरेट कर रहे हैं, और CDK का ये पूरा स्ट्रक्चर और टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। ये पूरा एक ब्लैंक सेटअप रहेगा, और उसमें बेसिक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट रहेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया है कि देखो यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक मतलब ये है कि बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइंड रहेगा, जिसमें कुछ फाइल्स रहेंगे हम अब आगे देखेंगे। उसके साथ CDK.json जो होता है वो फाइल होती है, वो प्राइमरी या फिर हार्ड रहेगी, जहाँ से हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट रहेगा, या फिर हम करेंगे ये एंट्री पॉइंट है इस एप्लीकेशन का, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। और ये सारे जो है वो कमांड से npm के रिलेटेड, रन बिल्ड बैक टेस्ट CDK डिप्लॉय डिफ सिंथ, ओके ये सब हम कमांड चेक करेंगे यहाँ पे, ओके। हर एक कमांड का एक्सप्लेनेशन दिया एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। उसके साथ ये गिट रिपोजिटरी भी एक जनरेट कर देता है, ठीक है। ये जो कमांड है वो केयरफुल चेक करना जब हम डिप्लॉय करते हैं। ये जो कमांड है इसकी प्री रिक्वेस्ट ये है कि AWS का कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम में होना चाहिए CLI के थ्रू, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हाउ वी आर सेटअप द AWS एनवायरमेंट ऑन योर लोकल मशीन यूजिंग द AWS CLI। तो जैसे प्रोफाइल जनरेट होती है वो डिफॉल्ट अकाउंट लेते लेता है, और डिफॉल्ट रीजन, तो वहाँ पे जब भी हम कमांड के थ्रू कोई भी इंस्टॉलेशन या फिर आगे प्रोसेस करेंगे तो वो डिफॉल्ट रीजन में वो सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके साथ ये डिफॉल्ट एक गिट रिपोजिटरी भी इनिशलाइज कर देता है, और डिफॉल्ट फोल्डर फाइल जो जो जनरेट हुई है TS फॉर्मेट में, टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन .ts होता है, तो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे बोले एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्टॉल और ऑल डन, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इसका एग्जैक्टली व्यू चेक करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर की लेफ्ट साइड में, आप चेक कर सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, यहाँ पे बीन लीप नोड मॉड्यूल्स जनरेट हुए, ठीक है। फोल्डर में भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ जनरेट हो चुका है, गिट भी जनरेट हो गए, गिट की रिपोजिटरी नोड मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बीन एक्सपेंड करें तो यहाँ पे AWS CDK.ts फाइल जनरेट होगी, ठीक है। ये
बोल सकते हैं यहाँ पे हम लाइब्रेरीज कुछ इंपोर्ट होगा कर सकते हैं, डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया और AWS कॉल स्टैक इंपोर्ट होगा CDK स्टैक के थ्रू, और इसके अंदर हम AWS के रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था डिफॉल्ट जो प्रोफाइल में सेटअप किया जैसे मैंने पहले बताया वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिप करके फोल्डर, उसके अंदर AWS CDK स्टैक, ये जो यहाँ पे हम एक्चुअल हमारा स्टैक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम मैंने मेंशन किया, यहाँ पे अकाउंट होता है, यहाँ पे देखो अकाउंट डिफॉल्ट जो अकाउंट AWS का अकाउंट और उसका रीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उस रिसोर्सेस ऐड कर सकते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है, रिसोर्स, सिंगल रिसोर्स और मल्टीपल रिसोर्स, सिंगल लाइन का कोड होता है वहाँ पे कर सकते हैं। नोड मॉड्यूल्स, ये जो पूरे पैकेज है डिपेंडेंसी है जो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगेंगे। उसके साथ टेस्ट मॉड्यूल भी आता है, टेस्ट TS फाइल का टेस्ट भी आता है, हम एग्जीक्यूशन में वो चेक करेंगे आगे। गिट इग्नोर, NPM इग्नोर फाइल और CDK.json। ये हार्ट मैंने बोला था, हार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा इंक्लूड करना है। AWS CDK.ts एक फाइल होती है, ये डिफॉल्ट होती है, यहाँ से वो ऐप एक्चुअल रन होता है। उसके साथ ही ये पूरा जो फोल्डर है मतलब जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ पे कंटेक्स्ट होता है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी का सेटअप है वो जो जो लाइब्रेरीज लगती है क्या क्या है वो सब हमारे नोड मॉड्यूल के थ्रू इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे वो सेट करता है, वो चेक करता है। यहाँ पे मोस्टली चेंजेस अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस किए तो इशू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जेस्ट कन्फिग डॉट, ये इसके रिलेटेड ही है टेस्ट के रिलेटेड, क्योंकि टेस्ट के जैसे हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट चेक करेगा। पैकेज डॉट, यहाँ पे पूरे पैकेजेस जो होते हैं उसका डिपेंडेंसी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, बिल्ड वॉच टेस्ट CDK टेस्ट का आउटपुट हमारा जेस्ट, यहाँ पे JEST है वो आ जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी के बाद उनका वर्जन, वर्जन का इशू आ जाता है इन फ्यूचर, अगर कोई वर्जन अपडेट मिसमैच होता है तो यहाँ पे केयरफुल चेक करना कौन सा वर्जन हम यूज़ करेंगे। रीडमी में स्टेप देखे हमें वो जो लॉग्स में दिखाई दिए थे वही सारे स्टेप यहाँ पे मेंशन किए, जैसे यहाँ पे मेंशन CDK.json है एंट्री पॉइंट, यहाँ पे यही से हमारा ऐप एग्जीक्यूट होगा और ये NPM के रिलेटेड कमांड्स है, ठीक है। तो हम एक बार वन बाय वन हम चेक करेंगे। अभी NPM रन बिल्ड करते हैं, जैसे ही NPM रन बिल्ड करते हैं पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, ठीक है। कंपाइल होके वो टाइप स्क्रिप्ट का एक JS कंपाइल फॉर्मेट में जनरेटेड, हर एक जो TS होगी उसकी रिलेटेड JS फाइल जनरेट होगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड के अंदर ये पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कंप्लीट होता है तो आप लेफ्ट साइड में फोल्डर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हर एक TS फाइल के लिए एक डेडिकेटेड JS फाइल जनरेट हो गई। देखो हमारे लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा फाइल हमारा जनरेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे बीन लीप, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर एक इसमें JS के साथ ही उसका TS के साथ ही उसका JS फाइल भी जनरेट हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट रहेगा, तो जावास्क्रिप्ट जो स्टैंडर्ड होगा उसका सिर्फ कन्वर्जन करके ये कंपाइल्ड फॉर्मेट में इसको देगा। लाइब्रेरी में भी स्टैक का d.ts.js ये सब कुछ फाइल जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन TS कॉन्फ़िगरेशन एक होता है, यहाँ पे भी ये टारगेट होता है ES, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड जो होता है कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे, और हम सोर्स डेस्टिनेशन मॉड्यूल से सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसका पॉलिसी या फिर कुछ चेंज करना है ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे NPM रन टेस्ट, टेस्ट किससे जो टेस्ट फाइल में लिखा है वो यहाँ पे रन होगा। यह इसके थ्रू क्या होता है वो आउटपुट हमें जेस देना चाहिए और जो फाइल रन होने के बाद वो सक्सेस देगा कि टेस्ट पास हुआ है। अभी हमने कुछ टेस्ट एक्चुअल कर ले रही है या फिर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हम करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी टेस्ट केसेस के लिए भी जेस जनरेट हो चुकी है और ये आउटपुट हमारा जेस्ट देगा। ये देखो यहाँ से वो आउटपुट आ गया, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आउटपुट आता है वहाँ पे पैकेज चेक करेगा कौन से टेस्ट केसेस से कितने पास है फेल हो गए, यहाँ पे पूरा ये आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। एक दो 2-3 सेकंड में ये जनरेट हो जाएगा। कभी कभी टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा लोड लेने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे टेस्ट रन होना चालू हो गए, डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इन फ्यूचर हमें डिटेल में वीडियो देखेंगे हर एक टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं जनरेट कैसे करते हैं। टेस्ट केसेस हमारा ये पास हो गया है, वन पास वन टोटल टाइम कितना है 8.77 टाइम दिखाई दिया, ठीक है।
अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमारा। अब यहाँ पे चेक करेंगे एक बार कि यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ है क्या। नहीं, अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, लाइब्रेरी ये स्टैक, ठीक है, cd.json। ये यहाँ पे नहीं, अभी हमें क्या करना है, इसका एक स्टैक जनरेट करना है। तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम एक S3 बकेट जनरेट करेंगे। बहुत ही साधारण और सिंपल कोड है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली कोई कॉन्स्ट मतलब एक वेरिएबल डिफाइन का एक स्टैंडर्ड रहेगा टाइप स्क्रिप्ट में, इक्वल टू न्यू कर दो, उसके बाद बकेट लिख दो। यहाँ पे ये जो इंपोर्ट फंक्शन लिया उसके थ्रू ये पूरा फेच होके आ जाएगा। यहाँ पे भी लाइब्रेरी एक्सटेंशन दिया है कि सी डी क्लिप थ्रू AWS-S3, इसके थ्रू ये इंपोर्ट हो रहा है बकेट, ठीक है। और ये बकेट के अंदर हमें देना है कि हमारा स्कोप कौन सा लेना है, ठीक है। ये पूरा इंपोर्ट अगर डिफाइंड नहीं हुआ तो वो ले लेगा, जैसे वहाँ पे देखो ऊपर आ गया है इम्पोर्ट बकेट, और उसके अंदर वहाँ पे स्कोप लिखा है। स्कोप हमें दिस स्टैक के अंदर ही करना है, और उसका एक स्ट्रिंग मतलब उसका कुछ नाम देके रखना है। बाकी प्रॉप्स है वो ऑप्शन, प्रॉप्स मतलब एडिशनल कुछ मेंशन करना है, जैसे टैग्स करना है, कुछ आईडी मेंशन करना है, तो वो प्रॉप्स के अंदर मेंशन करेंगे। फिलहाल हम इतना करके चेक करेंगे। देखो दोस्तों, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है। अब हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे cd के डिप्लॉय। कभी कभी देखिए यार, सीडी डिप्लॉय अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इशू आता है कि आपका बूटस्ट्रैप एनवायरनमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी हमें सीडी के थ्रू करना होगा तो हमें फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट के पहले बूटस्ट्रैप करना होता है। अभी यहाँ पे टर्मिनल में इशू है कि सीडी के कमांड यहाँ से चल नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, npm का जो नोड का जो है यहाँ के थ्रू हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे cd के डिप्लॉय, हिट एंटर। इसका क्या होता है कि ये डिप्लॉय मतलब क्या होता है, जो जो हमारा स्टैक डिफाइन किया है उसका एक टेम्पलेट जनरेट करके वो AWS को कनेक्ट करके वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जनरेट करके देता है, ठीक है। और क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू ये पूरा रिसोर्सेज जनरेट हो जाते हैं। अगर हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इशू आ जाता है। वो सिंथेसाइज टाइम करके चेक करेगा कितना टाइम लगेगा, और क्रेडेंशियल वेरीफाई करेगा कुछ इशू है को तो एरर। अभी यहाँ पे हमें एक एरर आ चुका है, ठीक है। ये न्यू एनवायरनमेंट है, हमें बूटस्ट्रैप नहीं किया है, इसलिए वर्जन ये सब कुछ थोड़ा सा एरर आए थे। हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हमें cd के बूटस्ट्रैप करके यूज़ करना है, cd के बूटस्ट्रैप। जैसे बूटस्ट्रैप करोगे ये एरर चला जाएगा, हिट एंटर। ओ गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। बूट स्टैप चाहिए, टी मिस था तो हम टी ऐड करेंगे। टी ऐड करने के बाद हिट एंटर। ओके, अगर जैसे हम हिट एंटर करोगे तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने करने की कोशिश कर रही है पूरा बिल्ड होके उसका डिप्लॉयमेंट के लिए पूरा ये रेडी हो जाता है, एक स्टैक जनरेट हो जाता है बूट स्टैप के थ्रू, ठीक है। जैसे कमांड जनरेट होती कंप्लीट होती तो हमें कंसोल में भी चेक करेंगे एक बार। ये देखो स्टार्ट हो गया पॉलिसीज। अभी देखो हमने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है, हम S3 बकेट, लेकिन उसके रिलेटेड जो डिपेंडेंट रहते हैं जो रोल्स यूजर्स बाकी पॉलिसी सेट करना ये सब कुछ पूरा ये CDK मैनेज कर देता है। और हमें सिर्फ जो क्लाउड फॉर्मेशन चाहिए वो टेम्पलेट यहाँ से जनरेट करके देगा। देखो यहाँ पे हमें cd के टूलकिट का फॉर्मेट, cd के जो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है उसका नाम है cd के टूलकिट, वो जनरेट होगा। उसके बाद SSM पैरामीटर है, IAM रोल है, ECR मतलब कंटेनर रिपोजिटरी है वो एक जनरेट करके देगा। उसके साथ IAM रोल जो हो गए उसके रिलेटेड स्टेजिंग बकेट है वो पूरा चेंज करके देगा। यहाँ पे भी मल्टीपल IAM रोल्स है, वो जो जो पॉलिसी वो सब कुछ अटैच करके वो रोल जनरेट करके देगा। क्रिएट इन प्रोग्रेस होगा, उसके बाद क्रिएट इन कंप्लीट होगा, स्टेजिंग बकेट होगी, पॉलिसीज, ये सब कुछ यहाँ पे पूरा लॉग में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑन रोल, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड ये रोल्स, ये सब कुछ यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट बूटस्ट्रैप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हो गए तो हम यहाँ पे पैरामीटर रिपोजिटरी सब कुछ यहाँ पे ग्रीन आ जाए, और लास्ट में आ जाएगा एनवायरनमेंट हमारा। यहाँ पे AWS: दिखाएगा अकाउंट नंबर, और ये हमारा रीजन भी मेंशन किया है, और मेंशन हुआ है कि ये बूटस्ट्रैप हो चुका है। तो देखो सिंगल लाइन ऑफ कोड से हमने इतने सारे रिसोर्स ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, है ना कमाल का दोस्तों। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ तो चेक करना एक बार, आपका रीजन का इशू हो सकता है। तो एक बार रीजन फिर से होम पेज पे जाएंगे, और यहाँ से हम
देखो ये यहाँ पे ये सीडीके से हमारा S3 बकेट जनरेट हो चुका है दोस्तों। रीजन है AP साउथ 1, तो ये रीजन के हिसाब से वो चेंज होता है, वो केयरफुली ध्यान रखना। बकेट के अंदर एम्प्टी, हमने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, ठीक है। उसके साथ हम हमारा ये देखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक स्टैक जनरेट हुआ है, ठीक है। ये भी यहाँ पे चेक करना, ऊपर रीजन, शायद ये रीजन यूएस ईस्ट 1 होगा, नॉर्थ वर्जीनिया, ये मोस्टली यूज होता है, तो यहीं पे हमारा कॉन्फ़िगर था। ये देखो यहाँ पे CDK टूलकिट स्टैक नेम से हमारा क्रिएट कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक जो चेक करेंगे कि टूलकिट में जो लॉग्स है वो क्या क्या है, क्योंकि लॉग्स में हम ऑलरेडी चेक किए हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो यहीं पे लॉग्स ये रहेंगे, पेरेंट स्टैक, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कब टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कब जनरेट किया, ये पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, ठीक है। और इसके साथ ही इवेंट्स, जो 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 इवेंट्स लगेंगे, ये पूरा प्रोसेस होने, पूरा जो लॉग्स में दिखाई वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड से इतना सारा जनरेट हो गया। यहाँ पे ऑल मेंशन किया है कि क्रिएट इन प्रोग्रेस मेंशन किया है, तो स्टिल कुछ कुछ रिसोर्स इन प्रोसेस होते हैं या फिर इन प्रोग्रेस होते हैं, तो धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये पॉलिसी अब हम एक चेक कर सकते हैं, एक रोल यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो हमारे रोल भी जनरेट हो चुका है, समरी देख सकते हैं, और उसके पॉलिसी क्या है, अटैच, ये सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो देखा दोस्तों कितना फास्ट और इजी होता है, हमने सिर्फ इस सिंगल लाइन ऑफ कोड से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक S3 बकेट किया, और उसके रिलेटेड जो जो डिपेंडेंसी थी, रोल्स, पॉलिसी, ये सब कुछ हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, CDK डिस्ट्रॉय करके पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे। CDK डिस्ट्रॉय होने के बाद ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें और एक है, CDK बूटस्ट्रैप के बाद CDK डिप्लॉय होता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैप तो हम पूरा बूटस्ट्रैप अप करके रन करके आ गया, लेकिन वो टेम्पलेट जो स्टैक में, और एक टेम्पलेट जनरेट होता है जो हमारा स्पेसिफिक स्टैक का नाम होता है, और उसके थ्रू ये क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू हमारे रिसोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो अभी वो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत चार्जेस होते हैं और कभी कभी इशू हो जाता है कि हमने कुछ सर्विसेज चालू कर दे, तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर एक सर्विस का डिटेल, और एक प्रोजेक्ट हम शेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये स्टैक के थ्रू ही हम फ्रंट एंड से, यहाँ पे कंसोल से भी डायरेक्टली डिलीट करके, ऑप्शन क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, अगर यहाँ से डिलीट नहीं हुआ तो। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, ये जो होता है एक्चुअल स्टैक जो जनरेट, उसके आगे होता है, ठीक है, एक स्टेप अहेड होता है, तो हम एक स्टेप उसी के ऊपर वही से करेंगे। अब हम यहाँ पे एक S3 बकेट होगी, वो हमें डिलीट करनी है, तो यहाँ से वो डिलीट करनी है, ठीक है। जैसे डिलीट हो जाती है तो हमारा पूरा स्टैक का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ये डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। S3 बकेट भी चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये डिलीट करते हैं। ये डिलीट करने के बाद वो हमारा स्टैक भी डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम वो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, स्टैक पे क्लिक करके। कभी कभी इशू होता है, या फिर ये डिपेंडेंट है कि यहाँ से डिस्ट्रॉय हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टैक एक्चुअल जनरेट नहीं हुआ है फुल। अगर वो जनरेट हुआ तो वहाँ से डिलीट होता है, और ये टेम्पलेट एज इट इज रहता है, अगर आपको यूज़ करना है तो एज इट इज यूज़ कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे हमारा फास्ट सिंगल लाइन ऑफ कोड से हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और या फिर से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया S3 बकेट, और लेकिन उसके रिलेटेड डिपेंडेंसी है वो सब कुछ इसके थ्रू होगा। तो इसके बाद हम एक डिटेल वीडियो जाएंगे, इसके हम पूरा एक सीरीज लाने वाले हैं, और उसमें हम डिटेल चेक करेंगे। तब